मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप लोगों का पद्मा मैथमेटिक्स में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि क्लास 10 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है, तो अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत कुछ पढ़ चुका है और इसके बाद भी हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब जो है एक्सरसाइज 4.3 को हम लोग सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो 4.3 में सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन जो है आपका, यह कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मतलब कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम लोग पूर्ण वर्ग बनाकर इसको सॉल्व करना है, यानी कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इस तरह से हमको सॉल्व करना है। जैसा कि पहले भी हमने इसके बारे में डिटेल से बताया हुआ है, बेसिक वीडियो में इसके बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है। इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लें, तब इसके बाद इसको पढ़े तो हमें उम्मीद है कि इसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, 2x² - 7x + 3 = 0। इसमें हम लिख सकते हैं 2x² - 7x = -3, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या करना है कि डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, यानी कि दोनों तरफ हम लोग 2 से इसको डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने के बाद 2x² - 7/2x = -3/2, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये 2 2 आपका कैंसिल हो गया, x² माइनस। अब इसको लिखेंगे किस तरह से, ध्यान देंगे आप लोग, 2 × x लिख दिए, फिर उसके बाद 7/4 लिख देते हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद यही टर्म हमको मिल जाता है। इसके बाद +7/4 का होल स्क्वायर कर देना है, एक बार 7/4 का होल स्क्वायर एक बार माइनस में कर देना है, तो -3/2 हो जाता है यह। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या कि x - 7/4 का होल स्क्वायर, अब ये टर्म को राइट साइड आप ले जाते हैं तो यह 7/4 का होल स्क्वायर -3/2 मिलता है। इसको अगर सॉल्व करते हैं हम, तो यह x - 7/4 = 49/16 - 3/2, तो इसका एलसीएम हो जाता है 16 हो जाता है, और यह 49 - 24 = 25/16 हमको प्राप्त होता है। अब तो यह जान रहे हैं आप लोग कि अगर लेफ्ट साइड में हम होल स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं राइट साइड में, तो यह स्क्वायर रूट देता है, तो यह 25/16 हो जाता है, जो कि प्लस और माइनस दोनों में मिलता है। इस को हम लिख सकते हैं +-5/4 लिख सकते हैं। अब क्या है कि x = 7/4 + -5/4, इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे आप। तो इसके बाद x का जो वैल्यू है, एक 7/4 + 5/4 लिखेंगे, और x का दूसरा वैल्यू है 7/4 - 5/4 लिखेंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 2/4, जो कि 1/2 होता है, सॉरी 12/4 जो कि 3 होता है, 3 टाइम्स में यह कट जाता है। उसके बाद x का दूसरा वैल्यू 2/4 जो कि 1/2 होता है। इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि x का जो दो वैल्यू मिला 3 और 1/2, यही आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा है क्या कि 2x² + x - 4 = 0। अब इस इक्वेशन में हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2x² + x = 4 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, 2 से इसको डिवाइड करते हैं। अब आप पूछेंगे कि 2 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहां पर 2x का कोफिशियंट 2 है, जो भी x का कोफिशियंट रहेगा उसी से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो यह आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा x² + x/2 = 4/2। अब इसको आप लिख सकते हैं x² + 2 × x × 1/4 लिखिए,
तो अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यह x बाय टू ही हमको प्राप्त होता है। उसके बाद प्लस वन बाय फोर का होल स्क्वायर माइनस वन बाय फोर का होल स्क्वायर, एक बार प्लस कर देना है एक बार माइनस कर देना है। इससे क्या होता है कि यह जो एक्सप्रेशन है इसमें किसी तरह का अंतर नहीं होता है और यह टू टाइम्स में कट के टू हो जाता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह x प्लस वन बाय फोर का होल स्क्वायर है। कहां से कहां तक? ये यहां से लेके यहां तक जो है x प्लस वन बाय फोर का होल स्क्वायर होता है। अब इसको अगर राइट साइड ले जाते हैं तो यह वन बाय सिक्सटीन, वन का स्क्वायर वन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, और यह माइनस में है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाके प्लस हो जाएगा और प्लस टू। तो इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो इसका 16 हो जाएगा एलसीएम और यह 1 प्लस 32 इक्वल टू आपका निकल जाता है 33 बाय 16। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या है कि यह जो x प्लस 1 बाय 4 है होल स्क्वायर इक्वल टू 33 बाय 16 हमको प्राप्त होता है, 33 बाय 16 हमको मिलता है। इसमें क्या रूल है कि 1 बाय 4 इसका स्क्वायरिंग अगर ट्रांसफर करते हैं राइट साइड में तो प्लस माइनस रूट अंडर 33 बाय 16, जो कि प्लस माइनस रूट अंडर 33 बाय 4, चूंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। अब यह x इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 4 प्लस माइनस रूट 33 बाय 4। इसमें से एक x का वैल्यू माइनस 1 बाय 4 प्लस रूट 33 बाय 4 और एक x का वैल्यू माइनस 1 बाय 4 माइनस रूट 33 बाय 4। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो माइनस 1 प्लस रूट 33 बाय 4 और यह आपका माइनस 1 माइनस रूट 33 बाय 4, यही हो जाता है आपका रिक्वायर्ड रूट्स हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। 3 नंबर में 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक उसी तरह से 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x इक्वल टू माइनस 3 लिख सकते हैं हम लोग। अब इसमें भी क्या करना है, दोनों तरफ किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो जब 4 से आप डिवाइड करेंगे तो यह आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस रूट 3x इक्वल टू माइनस 3 बाय 4 ऑन डिवाइडिंग डिवाइडिंग बाय 4। तो इस तरह से इसको अब क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स लिखिए। 2 इंटू एक्स लिखने के बाद इसको इंटू अगर रूट 3 बाय 2 से हम करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये इस वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको सॉल्व होने से यही आ जाता है। इसके बाद अगर प्लस रूट 3 बाय 2 का होल स्क्वायर कर दे, एक बार रूट 3 बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस कर दे तो इस एक्सप्रेशन में किसी तरह का अंतर नहीं होता है और यह माइनस 3 बाय 4। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यहां से लेके यहां तक जो है x प्लस रूट 3 बाय 2 का होल स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू, इसको आप राइट साइड ले जाते हैं तो पहले इसका स्क्वायरिंग अगर करेंगे रूट 3 का स्क्वायर तो 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेफ्ट साइड में माइनस में है तो राइट साइड में यह प्लस में मिलेगा हमको माइनस 3 बाय 4। इस तरह से देखते हैं 3 बाय 4, 3 बाय 4 कैंसिल होकर आपको 0 देता है और यह x प्लस रूट 3 बाय 2 इक्वल टू 0। ये x का वैल्यू जो है आपका, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस रूट 3 बाय 2 चूंकि स्क्वायर है, x प्लस रूट 3 बाय 2 एक बार 0, अगेन x प्लस रूट 3 बाय 2 इक्वल टू 0। चूंकि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट्स जो होगा हमेशा 2 होगा, इसलिए हम ऐसा लिखेंगे x इक्वल टू माइनस रूट 3 बाय 2, अगेन x इक्वल टू माइनस रूट 3 बाय 2, यही हो जाएगा आपका रूट्स हो जाएगा, इसी को आप आंसर कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 नंबर का क्वेश्चन जो है यह 2x स्क्वायर प्लस 4 सॉरी प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको हम 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू माइनस 4 लिखेंगे। अब दोनों साइड हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से इसको डिवाइड करने से क्या हो जाता है x स्क्वायर
प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू माइनस टू। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर का होल स्क्वायर और यह माइनस वन बाय फोर का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू मिलता है। यह तो आपका हो गया x प्लस वन बाय फोर का होल स्क्वायर। अब इसको आप राइट साइड ले जाते हैं तो वन बाय सिक्सटीन माइनस टू, तो इसका एलसीएम सिक्सटीन, वन माइनस थर्टी टू इक्वल टू माइनस थर्टी वन बाय सिक्सटीन। तो यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है कि यह जो टर्म है आपका माइनस में आता है और यहाँ लेफ्ट साइड में स्क्वायर है। स्क्वायर जब ट्रांसफर होता है राइट साइड में तो इसका वर्गमूल हो जाता है, यानी कि इसका रूट्स हो जाता है। तो करके हम लोग देखते हैं, तो इसको जब आप ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त होता है कि एक्स प्लस वन बाय फोर का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस थर्टी वन बाय सिक्सटीन। तो x प्लस वन बाय फोर इक्वल टू लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थर्टी वन बाय सिक्सटीन प्लस माइनस। अब इसके बारे में आप सोचिए कि यह जो नंबर है किस तरह का नंबर है, यह काल्पनिक नंबर है, काल्पनिक संख्या है, यानी कि यह जो है आपका इमेजिनरी नंबर है। और इमेजिनरी जब नंबर हो जाए तो इस कंडीशन में हम रूट्स नहीं निकाल सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स जो है रूट डज नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि रूट का अस्तित्व नहीं है। इसके बाद हम लोग चलेंगे वर्ड प्रॉब्लम में। वर्ड प्रॉब्लम हमारा है दूसरा नंबर, सॉरी दूसरे नंबर में कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन इक्वेशन वन अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अभी तक आप लोग जान रहे होंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हम लोग लिखते हैं और एक्स का जो वैल्यू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय टू ए, यह क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के मदद से हमको ऊपर के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसा कि पहला नंबर फिर से देखें, टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, इसमें ए का वैल्यू टू, बी का वैल्यू माइनस सेवन और सी का वैल्यू थ्री। तो पहले हम लोग डी निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो यह आपका बी स्क्वायर यानी कि माइनस सेवन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू थ्री, तो यह हो जाता है 49 माइनस 24 इक्वल टू 25। अब x का वैल्यू निकालना है तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय टू ए, तो इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस सेवन प्लस माइनस रूट अंडर 25 बाय टू इंटू टू, तो यह आपका 7 प्लस माइनस रूट अंडर 25 का वैल्यू जो होता है यह 5 होता है बाय 4। तो इस तरह से दो रूट्स हम क्या क्या दे सकते हैं, एक अल्फा इक्वल टू 7 प्लस 5 बाय 4 इक्वल टू 12 बाय 4 इक्वल टू 3, उसके बाद बीटा इक्वल टू 7 माइनस 5 बाय 4 यानी कि 1 बाय 2 बाय 4 यानी कि 1 बाय 2। इस तरह से हमारा दो रूट्स मिल जाता है इसका। उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दूसरे में हम लोग लगाते हैं, दूसरा इक्वेशन है आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू माइनस 4, तो हम लोग d निकालते हैं, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 4। इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस 32, इसका मतलब हो गया यह 33 हो गया। अब रूट्स निकालना है तो x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का वैल्यू 33
अब बाय टू ए तो टू इंटू टू, इस तरह से हम देख रहे हैं माइनस वन प्लस माइनस रूट 33 बाय फोर। तो इसमें से एक अल्फा यानी कि एक रूट्स को आप लिख सकते हैं माइनस वन प्लस रूट 33 बाय फोर लिख सकते हैं, और दूसरे रूट्स को आप लिख सकते हैं माइनस वन माइनस रूट 33 बाय फोर लिख सकते हैं। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग थ्री देखेंगे। थ्री नंबर में जैसा कि आपके पास है फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। तो इसमें a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 4 रूट 3 एंड c का वैल्यू 3, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया गया है। इसमें आप d का वैल्यू निकालिए, तो d इक्वल टू हम लोग जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b का वैल्यू 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3। तो इसको लिख सकते हैं 4 × 16 = 48 माइनस 48 इक्वल टू जीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू डी का वैल्यू आ जाता है जीरो। अब फॉर्मूला कहता है एक्स इक्वल टू माइनस बी लिखिए, तो माइनस फोर रूट थ्री हमने लिखा प्लस माइनस रूट अंडर डी यानी कि जीरो बाय टू इंटू ए यानी कि फोर। इस तरह से माइनस फोर रूट थ्री बाय क्या हो गया 8, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस रूट थ्री बाय टू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे भी हम लोग केस में देखे हुए हैं कि अगर डी हमारा जीरो होता है तो रूट्स जो होता है रियल होता है और वह इक्वल होता है, इसलिए दोनों रूट्स जो है आपका रूट थ्री बाय टू और बीटा भी आपका माइनस रूट थ्री बाय टू हो जाता है, यही आपका आंसर हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं हम लोग। यह टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, इसमें a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 1 यानी कि x का कोफिशियंट और c कांस्टेंट टर्म 4 होता है। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, यह आपका हो जाता है 1 माइनस 32 इक्वल टू माइनस 31। तो यह जो वैल्यू माइनस निकला आपका, अगर यह डी का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं कि जीरो से छोटा हो जाए तो रूट्स आर इमेजिनरी है ना, रूट्स को निकालना संभव नहीं होता है। तो रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, रूट्स जो है एग्जिस्ट नहीं होता है। तो इस तरह से इसको लिख के यहीं पे हम लोग खत्म कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में। थ्री नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसमें पहला इक्वेशन है आपका एक्स माइनस वन बाय थ्री एक्स इक्वल टू थ्री। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। यह हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू थ्री। इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू थ्री एक्स। तो यह जो है द्विघात समीकरण हो जाता है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, इस फॉर्म का हो जाता है जिसमें a इक्वल टू वन, b इक्वल टू माइनस थ्री एंड c इक्वल टू माइनस वन प्राप्त होता है। अब इसमें से हम d का वैल्यू निकालते हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस वन, तो थ्री थ्री जा नाइन, प्लस नाइन हो गया ये। उसके बाद यह जो है प्लस फोर हो जाता है, तो इसका मतलब यह वैल्यू क्या निकलता है आपका, थर्टीन होता है। जब यह थर्टीन निकल गया तो x का वैल्यू निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय टू ए, ये फॉर्मूला लिखते हैं। तो माइनस बी माइनस थ्री प्लस माइनस रूट अंडर थर्टीन बाय टू इंटू वन, तो इसको लिख सकते हैं थ्री प्लस माइनस रूट अंडर थर्टीन बाय टू। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि एक अल्फा का वैल्यू जो है आपका थ्री प्लस रूट अंडर थर्टीन बाय टू, और एक बीटा का वैल्यू जो है थ्री माइनस रूट थर्टीन बाय टू, ये हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है वन बाय एक्स प्लस फोर माइनस वन बाय एक्स माइनस सेवन इक्वल टू एलेवन बाय
30, और इसमें कहा गया है कि x नॉट इक्वल टू -4 और 7। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर x का वैल्यू यहाँ -4 रखेंगे तो -4 +4 मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 7 यहाँ रखते हैं तो 7 -7 मिलके 0 हो जाए। अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वह रैशनल नंबर नहीं होता है, वह नंबर डिफाइन नहीं होता है। इसलिए नंबर जो है डिफाइन नहीं हो या कोई मतलब नहीं निकले नंबर का, तो उस तरह का प्रॉब्लम नहीं है ये। इसलिए इसमें यह वैल्यू को हटा दिया गया है। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका एलसीएम लेते हैं हम, और यह एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस सेवन, तो एक्स माइनस सेवन माइनस एक्स प्लस फोर, इसको आप इस तरह से लिखिए, इक्वल टू 11/30। अब इसमें से ब्रैकेट को अगर ऊपर हटाते हैं हम, तो एक्स माइनस सेवन माइनस एक्स माइनस फोर बाय नीचे के टर्म को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x और यह -28 इक्वल टू 11/30। इसमें एक्स एक्स आपका कैंसिल हो जाता है। इस तरह से आपको मिलता है -11/x² -3x -28 इक्वल टू 11/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो यह आपको जो है 11 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x -28 इक्वल टू 30 इंटू -11 मिलता है। अब इसको आप जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x -28 इक्वल टू लिख सकते हैं 30 इंटू -11/11। तो यह 11 जो है -1 टाइम्स में कट जाता है जो कि -30 मिलता है। अब यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x -28 और -30 को लेफ्ट साइड में लाते हैं तो +30 इक्वल टू 0, जिसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x +2 इक्वल टू 0। इस प्रकार जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स +2 इक्वल टू 0। चूंकि हम देख रहे हैं कि -2 -1x -3x मिलता है, -2 इंटू -1 करेंगे तो 2 मिल जाता है। तो इस तरह से x कॉमन लेने से हमको मिलता है x -2, फिर -1 कॉमन लेने से x -2। इस तरह से इसका लीनियर फैक्टर्स x -2 और यह x -1 इक्वल टू 0। अब इसको क्या लिख सकते हैं, आइदर x -2 इक्वल टू 0 और x -1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू एक बार 2 हो गया, x का वैल्यू एक बार 1 हो गया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 नंबर में कहता क्या है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 ईयर्स एगो एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, फाइंड द प्रेजेंट एज। तो रहमान है, इसमें इसका मान लीजिए प्रेजेंट एज जो है एक्स है। अब यहां पे कहता है कि 3 ईयर एगो, 3 बरस पहले, इयर्स एगो यानी कि 3 वर्ष पहले इसका एज जो हो जाएगा एक्स माइनस 3 हो जाएगा। उसके बाद यदि कहता है कि 5 वर्ष बाद तो 5 ईयर्स हेंस यानी कि 5 वर्ष बाद इसका एज जो है एक्स प्लस 5 हो जाएगा। अब कहता है यह इस दोनों का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा,
वन बाय एक्स माइनस थ्री प्लस वन बाय एक्स प्लस थ्री दोनों के उल्टे का योग जो है वन बाय थ्री आता है, तो ये एक्स का वैल्यू क्या होगा, कहने का मतलब रहमान का प्रेजेंट एज क्या होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह जो है आपका एलसीएम एक्स माइनस थ्री हो जाता है, ये एक्स प्लस फाइव इक्वल टू वन बाय थ्री, और यहाँ पर एक्स प्लस फाइव लिखेंगे और यहाँ पर एक्स माइनस थ्री लिखेंगे। यहाँ जब आप सॉल्व करते हैं तो टू एक्स प्लस टू बाय एक्स स्क्वायर, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन इक्वल टू वन बाय थ्री आपको प्राप्त होता है। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो थ्री टू जब थ्री इंटू टू एक्स प्लस टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन। अब इसको आप लिख सकते हैं सिक्स एक्स प्लस फोर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको यह मिल जाएगा, यूर फिर से सिक्स एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू आपको मिला है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फिफ्टीन मिला है। इसको आप सॉल्व करते हैं तो यह जो है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, अब इसी को राइट साइड लेके चले जाइए तो यह सिक्स एक्स हो जाएगा, माइनस फिफ्टीन है, यह सिक्स उधर गया तो माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। यह एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों मिलकर फोर एक्स माइनस ट्वेंटी वन इक्वल टू जीरो। इसमें क्या देख रहे हैं, ए का वैल्यू वन है, बी का वैल्यू माइनस फोर है, सी का वैल्यू आपका ट्वेंटी वन है, माइनस ट्वेंटी वन है। अब इसमें से आप डी निकालिए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, तो माइनस फोर का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस ट्वेंटी वन, तो यह हो गया आपका सिक्सटीन प्लस एट्टी फोर, तो यह जीरो, यह हंड्रेड, यानी कि डी का वैल्यू आपका हंड्रेड निकल गया, और यह भी प्लस में, यानी कि रूट्स जो है इसका एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम लोग फॉर्मूला जान रहे हैं कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय टू ए होता है, तो माइनस माइनस फोर प्लस माइनस रूट अंडर हंड्रेड बाय टू इंटू वन लिख सकते हैं, चूंकि ए का वैल्यू हमारा वन है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो फोर प्लस माइनस टेन बाय टू मिलता है, इसलिए एक्स का एक वैल्यू हो गया फोर प्लस टेन बाय टू, और एक्स का एक वैल्यू जो हो गया फोर माइनस टेन बाय टू। इसको सॉल्व करेंगे तो सेवन मिलेगा आपको, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस सिक्स बाय टू यानी कि माइनस थ्री मिलेगा। अब माइनस थ्री और माइनस सेवन दो आंसर हमको मिलता है। रहमान का एज जो है क्या माइनस थ्री हो सकता है, यह संभव है? नहीं, यह संभव नहीं है, रहमान का एज माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए एज ऑफ रहमान रहमान्स क्या हो जाएगा, सेवन इयर्स हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के तरफ। फाइव नंबर में कहा जाता है कि इन ए क्लास टेस्ट शेफाली मार्क्स इन मैथ एंड इंग्लिश इज 30। शेफाली नाम की एक लड़की मैथ्स में और इंग्लिश में दोनों मिलाकर उसको 30 मार्क्स मिलता है। मान लीजिए कि मैथ्स में x मिलता है और इंग्लिश में y मिलता है, तो यह दोनों मिलकर 30 है। इसके बाद हम y का वैल्यू जो है 30 माइनस x लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर वन मान लीजिए। अब इस इक्वेशन में क्या कह रहा है कि हैड सी गॉट टू मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स थ्री मार्क्स लेस इन इंग्लिश द प्रोडक्ट ऑफ देयर वुड बी 210। यदि मैथ्स में उसको दो मार्क्स ज्यादा मिलता और उसके बाद इंग्लिश में उसको तीन मार्क्स कम मिलता तो इसका प्रोडक्ट 210 होता। तो मैथ में दो मार्क्स बढ़ा दिए, इंग्लिश जो कि वाई है तो इंग्लिश में हम तीन मार्क्स को माइनस कर दिए, तो जिसका प्रोडक्ट जो है
हमको मिलता है 210। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि पहले इक्वेशन में हम y का वैल्यू जो है 30 माइनस एक्स लिख सकते हैं पहले इक्वेशन से, तो इसको लिखते हैं x प्लस 2 और यह y का वैल्यू जो है 30 माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 210। इसके बाद यह लिखेंगे x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। इसको आप 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल टू 210 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 54 माइनस 210, 210 को लेफ्ट साइड ले आते हैं तो यह हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 156 सॉरी माइनस 156 इक्वल टू 0। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, सारे साइन को आप चेंज कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156 इक्वल टू 0। इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं और इसको द्विघात समीकरण से भी हल कर सकते हैं। इसमें आपका द्विघात सूत्र से भी हल कर सकते हैं, इसमें आपका कोई नंबर कटने वाला नहीं है। फिलहाल हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। इस 25 को ब्रेक कर देंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल टू 0। तो 12 माइनस 13 मिलके 25 होता है और 12 माइनस 12 इंटू माइनस 13 जो है प्रोडक्ट इसका जो है 156 हो जाता है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। x जब कॉमन लेते हैं तो x माइनस 12 माइनस 13 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। मुझे उम्मीद है कि यहाँ कॉमन लेने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम को आपको पहले भी समझा चुके हैं। तो इस तरह से इसका लीनियर फैक्टर x माइनस 12 और x माइनस 13 इक्वल टू 0 आता है। इससे x का वैल्यू एक 12 और इसमें x का वैल्यू एक 13 आता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि अगर हमारा x का वैल्यू, फिर से हम ऊपर चलेंगे, x का और y दोनों मिलके 30 के बराबर है, y का वैल्यू 30 माइनस एक्स, अगर x का वैल्यू हमको एक बार में 12 मिला हुआ है तो y का वैल्यू निकालने के लिए 30 माइनस 12 करेंगे जो कि 18 हो जाएगा। यानी कि मैथ्स सब्जेक्ट में उसको आता है 12 नंबर तो इंग्लिश सब्जेक्ट में आता है उसको 18 नंबर। अब दूसरे कंडीशन में अगर 13 हम लेते हैं एक्स यानी कि मैथ्स में मार्क्स, तो वाई इक्वल टू 30 माइनस 13 जो कि आपका हो जाएगा 17। तो इस तरह से 13 और 17 भी एक आंसर हो जाएगा इसका और 12 और 18 भी एक आंसर हो जाएगा। दोनों का सम 30, दोनों का सम 30 और दोनों में इस तरह से आप माइनस करके करेंगे तो आप इसमें चेक आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है आपका, इस रेक्टेंगल का डायगोनल जो है इसके स्मॉलेस्ट साइड से 60 मीटर ज्यादा है। तो रेक्टेंगल का स्मॉलेस्ट साइड जो होता है छोटा साइड, इसका चौड़ाई ही होता है और इसका डायगोनल इसके स्मॉलेस्ट साइड से 60 ज्यादा है तो x प्लस 60 इसका डायगोनल हो जाता है। उसके बाद कहता है कि इसका लेंथ जो है यह 30 मीटर मोर है इसके स्मॉलेस्ट साइड से तो x प्लस 30। तो हम लोग जान रहे हैं कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल जो होता है वह 90 डिग्री का होता है तो निश्चित रूप से इसको हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम को लगा सकते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट ब्रेथ इक्वल टू एक्स यानी कि इसकी चौड़ाई जो है वह कितना है एक्स है तो निश्चित रूप से लंबाई यानी कि लेंथ जो हो गया इसका x प्लस 30 और डायगोनल
डायगोनल कहने का मतलब इसका विकर्ण जो हो गया वह x प्लस 60 हो गया। इसके बाद हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह आपका x प्लस 60 का होल स्क्वायर, इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, माइनस x प्लस 30 का होल स्क्वायर माइनस x इक्वल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसको ब्रेक करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और उसके बाद ए माइनस बी होता है। तो इसलिए x प्लस 60 प्लस x प्लस 30 एक बार लिख सकते हैं इसको और x प्लस 60 माइनस x माइनस 30 लिख सकते हैं माइनस x स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इसमें देख रहे हैं कि x x कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पर x प्लस x 2x बचता है और यह 60 प्लस 30 90 बचता है और यहाँ पे आपका इंटू 30 मिल जाता है माइनस x स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 60x प्लस 1800 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू जीरो लिखेंगे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 1800 इक्वल टू जीरो, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब इसको हम द्विघात समीकरण के फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू आपका माइनस 60 और c का वैल्यू जो है 1800 आपको आ जाता है, सॉरी 2700 हो जाता है, ये नोटिया 27 2700 और यह 2700 हो जाता है माइनस में। इसको आप सॉल्व करते हैं d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b का वैल्यू माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 c का वैल्यू 2700 माइनस में तो ये 3600 अब प्लस ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा सच्चों के 28 चार दो नौ आठ नौ दस 108 00। तो ये इसका सम जो है 00441 14400 आता है तो d का वैल्यू जो है हमारा ये निकल गया। अब इसके बाद हमको x का वैल्यू निकालना है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a होता है तो माइनस बी यानी कि माइनस 60 प्लस माइनस रूट 100 14400 बाय 2 इंटू 1। तो इसको आप लिख सकते हैं 60 प्लस माइनस 120 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट जो है आपको मिल जाएगा 120 बाय 2। इस तरह से एक रूट्स जो है अल्फा 60 प्लस 120 बाय 2 इक्वल टू 180 बाय 2 इक्वल टू 90 मिल जाएगा और दूसरा 60 माइनस 120 बाय 2 बीटा का वैल्यू माइनस 60 बाय 2 इक्वल टू माइनस 30 मिल जाता है। तो यहाँ पर एक माइनस 30 मिलता है और एक 90 मिलता है। तो क्या किसी भी रेक्टेंगल का विड्थ या लेंथ कोई भी वैल्यू निगेटिव में तो नहीं हो सकता है? निगेटिव में अगर पूछें क्या हो सकता है तो हम कहेंगे कि नहीं, लेंथ निगेटिव में यहाँ नहीं हो सकता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भले निगेटिव में होता है वो निगेटिव डायरेक्शन को डिनोट करता है लेकिन यहाँ जो मेजरमेंट है हमारा निगेटिव टर्म को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्टेड कर देते हैं। इस तरह से ब्रेथ इक्वल टू 90 तो लेंथ जो है हमारा x प्लस 30 है तो 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 यही हमारा आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर टाइम। तो इसमें मान लेते हैं लेट स्मॉलर नंबर इक्वल टू एक्स है
और लार्जर नंबर, लार्जर नंबर यानी कि बड़ी संख्या जो y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है कह रहा है क्या कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। तो लार्जर नंबर का स्क्वायर और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है 180 है, और स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर यानी कि x का स्क्वायर जो है 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, 8 y के बराबर है। तो ये दो इक्वेशन आपको मिलता है, इस दोनों इक्वेशन को आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि x स्क्वायर का वैल्यू 8 है तो x स्क्वायर के जगह पर 8y हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 से y स्क्वायर माइनस 8y, 180 को लेफ्ट साइड में ले आइए तो माइनस 180 इक्वल टू 0। यह आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसा कि a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू माइनस 8 और c इक्वल टू माइनस 180। तो d का वैल्यू इससे निकालिए आप, d का वैल्यू हमारा हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 180। तो इसको लिख सकते हैं 64 प्लस 720। तो यह आपका हो गया 4, 8 और ये 780। डी का वैल्यू 784 आता है। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं इसका x का वैल्यू। तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। तो माइनस बी कहने का मतलब माइनस माइनस 8 प्लस माइनस रूट अंडर 784 बाय 2 इंटू 1। तो यह जो है 8 प्लस माइनस, यह जो है 28 का स्क्वायर है, 28 का स्क्वायरिंग करेंगे तो हमको ये मिलता है अब बाय 2। तो इस तरह से एक वैल्यू अल्फा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 8 प्लस 28 बाय 2 और 8 माइनस 28 बाय 2। एक वैल्यू बीटा लिख सकते हैं जो कि माइनस 20 बाय 2 आता है, जो कि माइनस 10 होता है। इसके बाद यह 36 बाय 2, एक वैल्यू 18 होता है। तो इस तरह से y का दो वैल्यू मिलता है, एक 18 और एक माइनस 10। तो माइनस 10 को तो हम ले नहीं सकते हैं, माइनस 10 को नेगलेक्ट करेंगे, और इसलिए हम अल्फा एक वैल्यू y का वैल्यू अगर 18 ले लेते हैं तो x का जो वैल्यू है x स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18 हो जाता है। x स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 2। तो इसको आप परफेक्ट स्क्वायर है, यह 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 टू जै 6, 6 टू जै 12। इस तरह से हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू निकलता है 12 स्मॉलर नंबर, और y का वैल्यू निकल जाता है 18। अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्मॉलर नंबर जो है 12 होगा एंड लार्जर नंबर जो है यह 18 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में कहता है कि एक ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पर जो है एक ट्रेन है आपका, एक ट्रेन है, इस ट्रेन का जो स्पीड, ये जो ट्रेन है इसको ट्रेवल करना है, इसको ट्रेवल करना है 360 किलोमीटर। उसके बाद इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड टेक 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो मान लेते हैं कि इसका स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है। अब एक फॉर्मूला भी आप लोग जानिए कि स्पीड इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बाय टाइम होता है, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। यदि हमको कहा जाए कि समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर हम लिख सकते हैं दूरी बटे चाल लिख सकते हैं। यानी समय को अगर निकालना है तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी स्पीड लिख सकते हैं।
तो अब यहां पर क्या कंडीशन है इसको समझने का कोशिश कीजिएगा कि फर्स्ट कंडीशन में स्पीड उसका एक्स है, तो एक्स स्पीड से वह चल रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा, 360 बाय एक्स ये टाइम लग जाएगा उसको। अगर वह एक्स प्लस 5 के स्पीड से चलता है यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर अपना स्पीड बढ़ा देता है तो उसमें जो है टाइम क्या लग जाता है, 360 किलोमीटर ही है और x प्लस 5 माने डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमको क्या प्राप्त होता है, टाइम ही प्राप्त होता है। अब यहाँ पर यह डिसीजन लेना है कि इस दोनों टाइम में से कौन बड़ा टाइम है, कौन टाइम बड़ा है और कौन टाइम छोटा है। तो निश्चित रूप से आप यह बड़ी आसानी से सोच सकते हैं कि अगर आप ज्यादा तेजी से चलेंगे तो आपको कम समय लगेगा, अगर आप धीरे धीरे चलते हैं तो ज्यादा वक्त लगेगा। तो इसमें तेजी से चलने वाली सिचुएशन कौन है, एक्स प्लस 5 है, यानी कि यह जो समय है छोटा है, कितना छोटा है, एक घंटा छोटा है, किससे, इससे एक घंटा छोटा है। इसलिए हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 360 बाय x माइनस 360 बाय x प्लस 5 इक्वल टू 1 आवर्स, चूंकि एक घंटे का अंतर है इस दोनों के टाइम में। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि 360 इससे कॉमन निकाल लेते हैं, 1 बाय x माइनस 1 बाय x प्लस 5 इक्वल टू 1 लिखिए। इसको और भी सॉल्व करना है हमको, तो यह आपका हो जाता है 360 इंटू एलसीएम इसका हो गया x इंटू एक्स प्लस 5, x प्लस 5 माइनस x इक्वल टू 1, तो यह x x आपका कैंसिल हो गया, 360 इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई में यह चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह x स्क्वायर प्लस 5x। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0, तो यह इक्वेशन हमको प्राप्त होता है। अब इसे हम द्विघात समीकरण के द्वारा हल करेंगे, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू माइनस 1800। इसको इसमें d का वैल्यू जो है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1800, तो यह 25 हो जाता है, यह प्लस, इसको प्लस करेंगे तो 8 चौके 72, 7200, इसको आप लिख सकते हैं 7225, 7225। तो 7225 का जो है स्क्वायर रूट जो है आपको मिलता है 85। इसको आप चाहे तो निकाल के देख सकते हैं, यहाँ पर हो गया 8 टाइम्स में 64 में अगर इसको 72 में 64 माइनस करते हैं तो आपको मिलता है 825, फिर यह 8 16, इसके बाद यहाँ 5 और यहाँ 5, 165 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 825 मिलेगा। तो इस तरह से इसका पर स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट 85 हमको प्राप्त हो जाता है। अब ये x का वैल्यू निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a होता है, तो माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर 7225 बाय 2 इंटू 1, तो माइनस 5 प्लस माइनस 85 बाय 2। इससे हम क्या देख रहे हैं कि एक x का वैल्यू जो है माइनस 5 प्लस 85 बाय 2 यानी कि 80 बाय 2 इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर मिलता है, और दूसरा जो वैल्यू मिलता है माइनस 5 माइनस 85 बाय 2 90 माइनस 90 बाय 2 माइनस 45 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन का स्पीड निगेटिव में नहीं हो सकता है, इसलिए हम जो है क्या करेंगे, इसका वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर ले लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है क्या कि टू
वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल इन ए टैंक। तो दो वाटर टैप है आपका, ओके दो वाटर टैप है आपका। अब दोनों जो है मिलकर किसी टैंक को भर सकता है, 9 होल 3/8 आवर्स में भर सकता है। तो इसका मतलब हो गया कि यह 75/8, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 75/8 आता है, तो इसको यह भर सकता है। फिर क्या कहता है कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो इसमें से जो आपका लार्जर टैप है, लार्जर डायमीटर का और एक स्मॉलर डायमीटर का टैप है, तो मान लेते हैं कि यह एक्स आवर्स में टैंकी को भर सकता है अकेले, ये वाई आवर्स में टैंकी को भर सकता है अकेले। तो यह सेपरेटली अलग अलग कितने देर में भरेगा, ये इस चीज को हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि जान रहे हैं कि पहला जो स्मॉलर टैप है वो 10 आवर्स कम लेता है, तो वाई का वैल्यू जो है एक्स माइनस हम लोग 10 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या कि हम लोग निकालते हैं कि चूंकि पहला टैंक जो है एक्स आवर में पूरे को भर सकता है, तो होल टैंकी को भर सकता है एक्स आवर्स में, तो एक आवर में कितना टैंकी को भरेगा, तो एक आवर में जो है वह 1/x पार्ट जो है टैंकी का भर देगा। अगर इसको हम देखें कि यह जो है एक घंटे में कितना टैंकी का भाग भर सकता है, तो एक घंटे में यह भर सकता है 1/x-10 पार्ट को। उसके बाद चूंकि इसका भी एक घंटा ले रहे हैं, इसका भी एक घंटा ले रहे हैं, और यह टोटल इसमें टाइम लग रहा है 75/8 आवर्स, तो यहाँ भी अगर एक घंटे में कितना पार्ट टैंकी का भरता है इसको लेते हैं, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1/75/8 आवर्स। तो यहाँ पर एक घंटा को यूनिट लेकर हमने इस इक्वेशन को इस्टेब्लिश किया, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने से एक्स का वैल्यू प्राप्त होता है हमें। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 8/75 लिख सकते हैं। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन, यह एलसीएम x - x (x - 10) हो जाता है, जो कि आपको मिलता है x - 10 + x = 8/75। इसको सॉल्व किया जाए तो यह आपको हो जाएगा 2x - 10/x² - 10x = 8/75। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो 75 × 150x - 750 = 8x² - 80x, चूंकि 8 × x तो 8x² 8 × 10 = 80x। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको यह इक्वेशन मिल जाएगा 8x² - 230x + 750 = 0। इसमें से हम 2 हालांकि कॉमन ले सकते हैं, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से अगर सॉल्व करें तो 8x² - 200x - 30x + 750 इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 200 और -30 यह दोनों मिलकर -230 देता है। 200 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 750 के इक्वल हो जाता है। इस जगह हम कॉमन ले सकते हैं, 8x कॉमन ले सकते हैं, तो x - 25 मिलता है, -30 कॉमन लेने से x - 25 = 0। तो इस तरह से x - 25 और यह 8x - 30 = 0, तो x का वैल्यू हो गया 25 और x का वैल्यू हो गया -30 + 30/8, जो कि आपका निकलता है 3.75 निकलता है। जो अब यहाँ पर अगर इसमें हम दूसरे टैंक का निकालें, दूसरा टैंक भरने का टाइम है x - 10,
तो यह हमको मिलता है 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 आवर्स। ये आपका 25 आवर्स। यदि एक्स माइनस 10 इस कंडीशन में करें तो 3.75 माइनस 10 करेंगे तो -6.25 आवर्स होता है, जो कि नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव ही नहीं है कि टैंकी को भरने में जो टाइम लगेगा वह हमारा निगेटिव होगा। तो इसलिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और आंसर लिख देंगे कि स्मॉलर टैप के लिए 15 आवर्स और उसके बाद बिगर डायमीटर का जो टैप है उसके लिए 24.5 आवर्स का वक्त लग जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इसमें कह रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है या पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है और दूसरा आपका एक्सप्रेस ट्रेन है। पैसेंजर ट्रेन का जो स्पीड है, एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड ज्यादा है। अब क्या है कि इस दोनों को ट्रेवल करना है 130 किलोमीटर, यह डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो इस ट्रेवलिंग में क्या होता है कि 1 घंटे का डिफरेंस आता है। एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, यानी कि यह 1 घंटा लेट से पहुंचता है। तो पैसेंजर ट्रेन द्वारा लिया गया टाइम, टाइम इक्वल टू हम लोग जान रहे हैं कि डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, इसके द्वारा लिया गया टाइम तो 132 बाय एक्स प्लस 11 लिख सकते हैं। और इसके डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 आवर का डिफरेंस है। इसलिए हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं कि 132 बाय एक्स माइनस 132 बाय एक्स प्लस 11 इक्वल टू 1 आवर्स। इसमें हम 132 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यह 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 11 इक्वल टू 1 आवर्स लिख सकते हैं। इसको इसको और सॉल्व करेंगे, 132 इसका एलसीएम हो गया एक्स इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 11 सॉरी 11 माइनस एक्स इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कीजिए, 132 एक्स एक्स आपका कैंसिल इंटू 11, यह जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 11 एक्स हो जाता है। इस तरह से हमारा इक्वेशन मिल जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 1452 इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण मिल जाता है। अब इस द्विघात समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 11, सी का वैल्यू -1452, डी का वैल्यू निकालते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यह 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1452 मिलता है। इस तरह से 121 प्लस 5 20, 4 6 16 17 18, 4 1 5, 5 8 0 8, इसका सम जो हो जाएगा 9 2 9 और यह 5 हो जाता है। 9 2 9 5 5, ये हो जाता है, ये वैल्यू 5927 हमको प्राप्त होता है। अब अल्फा इक्वल टू यानी एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। तो माइनस 11 प्लस माइनस रूट अंडर 5929 बाय 2 इंटू 1, तो 5929 का वर्गमूल निकालते हैं हम लोग, ये 7 7 49 हो जाता है, 1029 प्राप्त होता है। 7 प्लस 7 यह 14 हो गया, फिर 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 7 49 2 और यह 10। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू -11 प्लस -77 बाय 2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो यह एक एक्स का वैल्यू -11 +77/2 इक्वल टू 66/2 इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर निकलता है, और दूसरा वैल्यू -11 -77/2 यानी कि -88/2 यानी कि -44 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना, नॉट एग्जिस्ट, नॉट पॉसिबल, इस तरह की संभावना नहीं हो सकती है कि किसी भी ट्रेन का स्पीड निगेटिव में हो जाए। इसलिए हम स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन हो गया आपका 33 किलोमीटर पर आवर, और फास्ट ट्रेन यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड हो गया आपका 44 किलोमीटर पर आवर। चूंकि 33 + 11, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यह जो है सिर्फ सिर्फ आपका 11 किलोमीटर इसका स्पीड ज्यादा है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। इसमें कहना है कि दो आपका स्क्वायर है, इस एक स्क्वायर बड़ा है और दूसरा स्क्वायर छोटा है, दोनों का एरिया का सम जो है 468 है, यानी कि इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया 468 के बराबर है। यदि इसका लेंथ एक्स हो, इसका लेंथ वाई हो, तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है भुजा का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर इक्वल टू 468। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं 4x - 4y इक्वल टू 24। इसमें 4 कॉमन ले लिए, x - y इक्वल टू 24, x - y को लिख सकते हैं 24/4 इक्वल टू 6। इस तरह से x का जो वैल्यू है, ये y का जो वैल्यू इससे निकालेंगे हम, 6 - x हो जाएगा। जैसे कि यह आपका y को राइट साइड लेके चले आइए, प्लस में हो जाएगा, इसको लेफ्ट साइड में लेके आइए तो यह माइनस हो जाएगा, यानी कि x - 6 हो जाता है यह। अब इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर देते हैं, x² + x - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 468। ये आपका हो गया x² + x² - 12x + 36 = 468। इसको आप सॉल्व करते हैं तो 2x² - 12x + 36 - 468 = 0। इसको आप लिख सकते हैं 2x² - 12x - 432 = 0। अब इसमें से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो x² - 6x - 216 = 0। तो इस तरह से इस 2 को राइट साइड में ले जाते हैं तो यह 0 ही हो जाता है। तो इस तरह से ये इक्वेशन मिल गया, x² - 6x - 216 = 0। अब यह जो द्विघात समीकरण है इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड देख लीजिए, तो इसमें हम इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं x² - 18x + 12x - 216 = 0। x कॉमन लेते हैं तो x - 18, 12 कॉमन लेते हैं तो x - 18 = 0। x - 18 और यह x + 12 = 0। इस तरह से x का वैल्यू एक हमको 18 मिलता है और x का वैल्यू -12 मिलता है, तो -12 जो है नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि किसी भी स्क्वायर का साइड माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए एक्स का वैल्यू, सॉरी सॉरी सॉरी, और वाई का वैल्यू जो है वाई इक्वल टू, जैसा कि देख रहे हैं हम लोग x - 6 है, तो 18 - 6 इसको लिखते हैं तो यह 12 आता है। तो इस तरह से हमारा
वैल्यू निकल जाता है 12 एंड 18, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये आपका एंड ऑफ एक्सरसाइज 4.3। थैंक्स।